दोस्तों मात्र 12 दिन, जी हाँ केवल 12 दिन बचे हैं देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में। और ऐसे बेहद महत्वपूर्ण वक्त में यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिनको चैलेंज किया जाता था कि जर्मनी में बैठकर देश में ज्ञान बघारता है, भारत आ चुके हैं और अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि फ्लावर नहीं वो फायर है। और फायर भी ऐसे कि आते ही जो पहला इंटरव्यू दिया उसने जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में चर्चाएं शुरू कर दी। दोस्तों द देशभक्त इस यूट्यूब चैनल को आप जानते होंगे, आकाश बनर्जी का यूट्यूब चैनल है और 3.93 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है इनका। बढ़िया वीडियोज ये बनाते हैं और ध्रुव राठी जब भारत आए तो उन्होंने आकाश बनर्जी से मुलाकात की और न केवल मुलाकात की बल्कि उनके YouTube चैनल में बकायदा एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू ने सोशल मीडिया में कैसा तहलका मचाया है पहले वो देख लीजिए। दोस्तों इस इंटरव्यू में ध्रुव राठी ने जो बातें बोली हैं वो हर लिहाज से एक नागरिक के तौर पर ठीक चुनाव से पहले हमारे आपके लिए सोचने वाली बात है। कैसे ये वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन इस इंटरव्यू ने कैसे तहलका मचा दिया है मैं चाहती हूँ पहले वो आपको मैं दिखाऊं। दोस्तों जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आकाश बनर्जी का ये वीडियो 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दोस्तों ये आंकड़े बताते हैं कि ध्रुव राठी को लेकर क्या जबरदस्त पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया में है। और सोशल मीडिया में ध्रुव राठी की पॉपुलैरिटी को आप कतई हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि इस देश में जो आखिरी चुनाव टीवी पर लड़े गए थे वो थे 2014 के चुनाव। उसके बाद जितने भी चुनाव चाहे देश के हों चाहे राज्य के हों वो सोशल मीडिया में ही लड़े गए और सोशल मीडिया में ही जीते गए। इसीलिए आपको पता होगा, आप खुद भी देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी सोशल मीडिया में जो IT सेल खड़ा किया गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, फेसबुक द्वारा, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा, जितने करीने से IT सेल काम करता है वो इसीलिए काम करता है क्योंकि लोग अब टीवी नहीं सोशल मीडिया के जरिए ही अपने मुद्दे, अपने नेता और अपनी समस्याएं चुनते हैं और उन पर जाकर वोट करते हैं। दोस्तों आकाश बनर्जी के इस वीडियो का थंबनेल यानी कि शीर्षक है डेमोक्रेसीज लास्ट चांस, यानी कि लोकतंत्र का आखिरी मौका। दोस्तों ध्रुव राठी ने इस इंटरव्यू में यही बोला जो वो लगातार कह रहे थे कि ये चुनाव हमारे देश के लिए एक आखिरी चुनाव है जिसमें आप लोकतंत्र को बचा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि देश में तानाशाही आ गई है, लेकिन देश में तानाशाही का डर है, वो तानाशाही ना आ जाए उससे पहले ही हमें अपने आप को बचाना होगा। ध्रुव राठी से आकाश बनर्जी ने यह भी कहा कि आपको क्यों लगता है कि तानाशाही आ गई, आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है। तो ध्रुव राठी ने एग्जैक्टली वही बात बोली जो मैं भी आपको अपनी कई खबरों में दिखा चुकी हूँ। दोस्तों बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं प्रेम कुमार और बिहार BJP के बड़े नेताओं में से एक हैं। ये अभी वोट मांगते हुए कुछ दिन पहले की ये वीडियो है, सुनिए क्या कह रहे थे लोगों से। परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है, जो अकड़म बकड़म उसमें डाला हुआ था कांग्रेस वालों ने किया था उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी से मानने की है, हम लोग गड़ाई चाहते हैं, नहीं हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के राजस्थान की नागौर से उम्मीदवार हैं ज्योति मिर्धा। अभी कुछ दिन पहले इनका भी भाषण सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान बदलना है अगर तो मोदी जी को 400 प्लस तो आपको देना होगा। और दोस्तों ये कोई इक्का दुक्का उम्मीदवार नहीं है, खुलेआम बीजेपी के बड़े नेता अनंत हेगड़े भी अपना इस तरह का बयान देकर कुछ दिन पहले विवादों में घिर चुके हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि इस तरह के लोगों पर बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती, ऐसे लोगों के टिकट छीनती क्यों नहीं है जो खुलेआम लोगों से कह रहे हैं कि 400 प्लस दे दो, मोदी जी को जिता दो तो संविधान बदल देंगे। और संविधान बदल कर करना क्या चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने भी एग्जैक्टली ये वीडियो पोस्ट करते यही कहा कि इन लोगों की साजिश है कि संविधान में जो पिछड़ों का आरक्षण है वो खत्म कर दें। दोस्तों इस वीडियो में आकाश बनर्जी ने ध्रुव राठी से भी यही पूछा जो हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि जब देश में आपको लगता है कि इतना बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम हो गया, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हो गया, लेकिन फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2G या आदर्श घोटाले या फिर कॉमनवेल्थ घोटाले की तरह लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो आपको क्या दिक्कत है। तो जवाब ध्रुव राठी ने भी वही दिया जो मैं आपसे बार बार चीख चीख कर अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों को बताया नहीं गया। आप मुझे बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जितनी जबरदस्त कवरेज यूट्यूबर्स ने की, हमारे जैसे लोगों ने की, क्या आपको किसी चैनल में उसकी 1% कवरेज दिखी। इलेक्टोरल बॉन्ड का शीर्षक देते हैं और उसमें पॉलिटिकल गेस्ट बुलाते हैं और आपस में लड़वाते हैं और काम खत्म कर देते हैं। कई ऐसे बेशरम एंकर हैं जिन्होंने अपने चैनल में बकायदा ये बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा तो बीजेपी को मिला ही नहीं। खुद मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया कि ये तो मोदी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड ले आया जिसकी वजह से लोगों को पता चल गया कि किसको कितना मिला है। जबकि SBI के वकील सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अगर देश को पता चल जाएगी तो इससे सीक्रेसी प्रभावित होगी। SBI नहीं चाहता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इतनी जल्दी लोगों के बीच आए, वो तो चुनाव की बात की डेट
मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट से, वो तो सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगी तो देश को पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। लेकिन ये बातें कुछ यूट्यूबर्स, मुट्ठी भर यूट्यूबर्स आपको समझा रहे हैं। बड़े स्तर पर अभी भी देश में लोग टीवी को देखते हैं, लोग टीवी के लोगों को सच मानते हैं, टीवी भी लोग यूट्यूब में ही देखते हैं, लेकिन टीवी के लोगों को लेकर जो एक्सेप्टेबिलिटी है अभी भी यूट्यूबर्स को लेकर उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और टीवी में जो प्रोपोगंडा दिखाया जाता है वो एग्जैक्टली वही है जो बिग बॉस चाहते हैं। दोस्तों सोचिए, ध्रुव राठी लोगों को जागरूक करने के लिए जर्मनी से भारत आ गए हैं, वो चुनाव से पहले लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यहाँ इंटरव्यू दिए फिर रहे हैं कि आप न केवल खुद जागरूक होइए बल्कि अपने आसपास के 100 लोगों को जागरूक कीजिए। और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में 5 साल में एक बार केवल चुनाव जीतना और उंगली में निशान लगवाना और उसके बाद सेल्फी उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करना, ये लोकतंत्र में एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं होती है। लोकतंत्र में नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकारों को लेकर न केवल जागरूक हो बल्कि आसपास के लोगों को भी जागरूक करे। आप बताइए, क्या देश के गली कूचों में, गांव देहात में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उस लेवल की जागरूकता है जिस लेवल की होनी चाहिए? मणिपुर के हालात को लेकर या लद्दाख में सोनम वांगचुक जो मांग उठा रहे हैं, क्या उस लेवल की जागरूकता है जिस तरह की होनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं है तो एक नागरिक के तौर पर हम अपने स्तर पर यह जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं? क्या हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं? क्या एक आदमी 100 लोगों तक पहुंच जाए तो लोगों में बदलाव ला सकता है? दोस्तों कोई नहीं कह रहा कि देश में तानाशाही आ गई, लेकिन अगर इसका डर है तो इस डर को एड्रेस कौन करेगा? आपको लगता है कि कोई विदेश से आएगा वो एड्रेस करेगा? आपको लगता है कोई नेता एड्रेस करेगा? नहीं, इसे आपको और मुझको करना होगा। हम देश के नागरिक हैं। और ये बात समझ लीजिए, बार बार जो हमसे यही पूछा जाता है कि आप सरकार से इतने सवाल पूछते हैं लेकिन देश को तो कोई दिक्कत नहीं है, देश के लोग तो मोदी जी कर रहे हैं। अगर देश के लोग वाकई में इन सवालों से परवाह नहीं करते और देश के लोग एक मुश्त मोदी जी के पीछे खड़े और मोदी जी से सवाल पूछने वालों की है ही नहीं, मतलब तादाद ही नहीं है, तो आप और मैं और मेरे जैसे जो इतने सारे यूट्यूबर्स पिछले 3-4 सालों में खड़े हो गए, इनको कौन लोग देख रहा है? कोई विदेश के लोग तो नहीं देख रहे, हमारा सारा दर्शक भारत का ही दर्शक है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग हमको देखते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज हैं आप उसमें कमेंट बॉक्स में चले जाइए, सारे लोग हिंदी में कमेंट्स लिखते हैं, सारे लोग अपनी बात खुलकर रखते हैं। दोस्तों वो कौन लोग हैं जो ध्रुव राठी की एक वीडियो को रातों रात ट्रेंडिंग पे ला देते हैं, रातों रात सोशल मीडिया में उसके चर्चे होने लगते हैं? कौन लोग हैं? इसका मतलब तो ये है ना कि लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन उनको मीडिया स्पेस नहीं मिलती। और जहां तक बात है लोकतंत्र के खतरे की, तो यही कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, ध्रुव राठी जैसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। इनको तो बात बात पर लोकतंत्र खतरे में दिखता है, बात बात पर लोकतंत्र की हत्या दिखती है। तो ऐसे लोगों को मैं जवाब दूंगी, दोस्तों एक मेयर इलेक्शन, चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन, उसे लेकर तक परिणाम सुप्रीम कोर्ट को घोषित करने पड़ जाए। एक बकायदा लाइव कैमरे में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने झूठ बोला, वहां पर उसने विपक्ष के वोटों को खराब किया और कल अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद बोला है कि हाँ उसने झूठ बोला, उसके लिए माफी मांगी है उसने। एक मेयर इलेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए तो एक रिटर्निंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये लोकतंत्र की हत्या आपने की है, तो अब आपको इससे बड़ा खतरा और क्या चाहिए? ठीक चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल, जिसको वैसे भी मीडिया में कोई स्पेस नहीं मिलती, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके बड़े नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ता है कि हमको अपने नेताओं को ट्रेन के टिकट खरीदने के या उनके पैसे देने के पैसे नहीं बचे हैं। देश की बड़ी विपक्षी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब, उसके सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया जाता है, उसके अलावा उसके जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, सब जेल में डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों ध्रुव राठी से इस इंटरव्यू में आकाश बनर्जी ने पूछा कि अगर बीजेपी को ना चुने तो किसे चुने, क्योंकि करप्ट तो सब है। ये तो बात सही है दोस्तों, हमारे देश में कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को दूध का धुला नहीं कह सकता, करप्शन तो हर जगह है। लेकिन ध्रुव राठी का जवाब इसमें यह था कि ये जो चुनाव है ये करप्ट या नॉन करप्ट का नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। ध्रुव राठी ये कहते हैं कि ना केवल सरकार बदली जाए, नई सरकार लाई जाए, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाए चुनाव के बाद, और ये सुनिश्चित आप और हम देश के नागरिक करें कि जो नई सरकार आएगी वो इस बात को सुनिश्चित करे कि जिस तरह से ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की साख गिरी है, उनका बेजा इस्तेमाल किया गया है, कम से कम वो होना रुक जाए। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सरकार किसी की भी हो एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। यूपीए की सरकार के दौरान मुझे याद है एक जांच एजेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो तोता है, लेकिन जिस बड़े स्तर पर
इस सरकार में एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप विपक्ष लगा रहा है वो तो मतलब वाकई में हैरान करने वाला है। ये सब आपके सामने है दोस्तों कि कैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन पर बीजेपी पानी पी पी कर उनको गरियाती थी, वो जब बीजेपी में शामिल हुए तो वॉशिंग मशीन में ऐसे धुले के सारे बेदाग हो गए। तो मतलब उन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे कुछ दिन पहले जब तक वो विपक्ष में थे, और उसके बाद जैसे वो बीजेपी में आए सारे दाग धुल गए। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसमें कई खबरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें बात सामने आई है कि कई ऐसी कंपनियां जिन पर ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे वो देश के राजनीतिक दलों को चंदा दे रही है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिल रहा है, और उन्हीं चंदों के पैसों से मोदी जी रैली करते हैं और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, जो जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाता कौन कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और इस पूरे के पूरे खेल में हम एक नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी एक नागरिक के तौर पर? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये चुनाव वाकई में देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसमें एक नागरिक के तौर पर आप किस तरह से अपनी भागीदारी दर्ज करवाने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।